शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 में सममिति, ऐसी आकृतियां जिसके समान भाग करने पर एक भाग दूसरे भाग को ढक लेता है या समान भाग में विभाजित करने पर उसके समान रूप से हूबहू वैसे के वैसे ही भाग संपादित हो जाए या उसके टुकड़े हो जाए तो उसको हम सममित रेखाएं कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था एक दो जैसे आकृति वाले, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अनेक सममित रेखाओं यानी दो या दो से अधिक वाली आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिसमें सममित रेखाओं की संख्या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो। सबसे पहले हम लेंगे एक आयत, जैसे यह एक आयत चित्र है, इस आयत चित्र में देखिए सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे यह एक इसका आधा भाग है आयत का, तो एक रेखा ये भाग इस भाग के समान है, एक रेखा ये हुई। दूसरी रेखा है कि यह जो दूसरी रेखा इधर करेंगे तो भी इसके जो है यह भाग इस भाग के समान हो जाएगा। इस प्रकार से एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या दो होगी, क्योंकि जैसे इस प्रकार से हम विकर्ण अगर डालते हैं तो यह भाग इसके समान है लेकिन पूर्णतया ढकेगा नहीं, इसलिए यह सममित रेखा नहीं है। इसलिए हम यह कहेंगे कि आयत में सममित रेखाओं की संख्या एक और यह दो है। इसी प्रकार से वर्ग में देखिए, वर्ग के चारों जो भुजाएं हैं वो समान हैं, और यहां जैसे देखिए यह वर्ग में एक रेखा यहां पर लगाई तो आधा वर्ग जो है यह आयत बन गया, ये आयत ये इसके समान हो गया। दूसरा हम ये जैसे ये भाग भी आयत बन जाता है इस वर्ग में, तो यह भाग और यह भाग समान हो जाते हैं, तो यहां दो रेखाएं हो गई। अब इस चित्र में साफ नहीं दिख रहा, अगला हम चित्र ले लेंगे। जैसे देखिए ये दो रेखाएं हैं एक और दो, और उसके बाद में जैसे वर्ग के अंदर जब वर्ग समान है तो इसके भाग में एक रेखा इधर डाली, पहले ये इधर और इधर थी ऊर्ध्वाधर और क्षितिज, लेकिन ये विकर्ण भी डालते हैं तो जैसे देखिए एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, एक और ये दो, पहले ये रेखा डाली हुई है तीन और यह चार। तो कहने का अर्थ है एक वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या जो है चार होगी। अब जैसे देखिए एक वृत्त का चित्र लेते हैं, वृत्त के चित्र में कितने सममित रेखाओं की संख्या होगी। जैसे देखिए यह इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या के ठीक सामने मिलाया तो यह एक व्यास हो गया, और यह इसका केंद्र बिंदु, तो यह भाग इस भाग के समान हो गया एक। दूसरा हम जो है यह भाग इस भाग के समान हो गया। तीसरा जो है ऐसे डालते जाएंगे तो यह चौथा भाग तीन और ये चार। इस प्रकार से जो है ये रेखाएं हम डालते जाएंगे और इस प्रकार से जो है समान भाग में ऐसे रहेगा। इस प्रकार से आप जितना करेंगे वह जो है बढ़ती ही जाएगी और सममित रेखाओं की संख्या उसके सभी समान भाग दिखाई देने लगेंगे। तो हम कहेंगे वृत्त के अंदर एक केंद्र से सभी जो रेखाएं खींची रहे सममित रेखाएं जो है सममित रेखाओं की संख्या अनंत होगी, बहुत सारी रेखाएं हो जाएगी, इसलिए एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या अनंत है। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी वह त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, और तीनों ही भुजाएं सम यानी समान है, तीनों भुजाएं समान है तो उसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे देखिए यह रेखा है सीधे, इसमें डालना तो ये त्रिभुज के दो भाग हो गए। दूसरा है इसकी संगामी रेखा, जैसे देखिए यह इसके सामने जाकर के और इस प्रकार से यह भाग इसके समान ये हो जाएगा, और इधर से भी अगर हम करेंगे तो यह भाग जो है इसके समान हो जाएगा। कहने का अर्थ है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या जो है तीन है। अब है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है उसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है। जैसे देखिए
इधर से ये अगर सीधा करते हैं तो ये भाग छोटा ये भाग बड़ा रह जाता है, क्योंकि ये भुजा पांच की है, ये पांच की है, ये भुजा उससे अलग है तो सात की है, तो इधर से भी करेंगे तो ये भाग छोटा रह जाता है ये बड़ा, इसलिए नहीं हो सकती है। तो इसमें जो जो भुजाएं समान हैं और उससे अगर लेंगे तो यह एक रेखा ही होगी। इस समति दो भुजा वाले त्रिभुज में एक सममित रेखा की संख्या होगी। इसी प्रकार से हम देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में कितनी रेखाएं हो सकती है जो त्रिभुज इसको समचतुर्भुज को समान भागों में बांटे। तो देखिए एक तो यह है, यह भाग है जो इसको समान बांटता है, दूसरा यह। तो समचतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या दो है। इसी प्रकार से आगे भी आकृतियां हम ले सकते हैं। समपंचभुज, समपंचभुज में देखिए एक दो तीन चार और पांच भुजाएं हैं और इसमें एक रेखा सीधी करते हैं, यहां से खींचते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से, तो यह भाग इस भाग के समान है। बाकी कोई रेखा जो है देख लीजिए इसमें मेल नहीं खा रही है, तो हम कहेंगे समपंचभुज में सममित रेखाओं की संख्या जो है एक है। इस प्रकार के जो सममित अनेक सममित रेखाएं दो से अधिक वाली आकृतियों का हमने अध्ययन प्राप्त किया और आगे जो है इसका हम गृह कार्य करेंगे।